कॉमेडी सर्कस का जादू। तीन साल पहले इंडियन टेलीविजन पर हुआ था इतिहास का सबसे बड़ा जादू। उस वक्त जब एक्टर कम कैमरा ज्यादा एक्टिंग करता था और किसी को यकीन नहीं था कि एक्चुअली हमको रुलाने वाले एक्टर्स हंसा भी सकते हैं, लेकिन हमारे इंडियन टेलीविजन ने कर दिखाया ये मैजिक। आज जहां एक तरफ कॉमेडी शोज कॉमेडी नहीं कर पाते, मैजिक शोज मैजिक नहीं दिखा पा रहे, हम करेंगे दोनों काम बखूबी एक साथ। अब यहां कॉमेडी की कलम से लिखा जाएगा हंसी का जादू। और वैसे सुना है कि यहाँ एंकर को टैलेंट के हिसाब से नहीं, उसके कपड़े देखकर पेमेंट मिलती है, इसलिए मैंने आते ही अपने रंग दिखा दिए। ऑन दैट नोट शुरू करते हैं कॉमेडी सर्कस का जादू। और हंसी के इस जादुई दरबार में सबसे पहले पधार रही हैं हंसी की हातिम, लाफ्टर की जीनी, अर्चना पुरन सिंह। जितना भी काम कर लो लेकिन पैसे नहीं मिलने वाले। अब मैं जाकर काम करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। तालियां उनके लिए जो कॉमेडी सर्कस की कॉमेडी की तरह सदाबहार है, कॉमेडी सर्कस के लाफ्टर की तरह हमेशा फ्रेश और जवान है। प्लीज वेलकम द हैंडसम एंड फॉरएवर यंग शेखर सुमन। शेखर जी, अब मैं आपको कॉमेडी सर्कस के बारे में क्या बताऊं? आप तो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि कॉमेडी और जादू का संगम कैसा लगा? मेरा ऐसा मानना है कि कॉमेडी सर्कस में अलग से जादू करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉमेडी सर्कस का सबसे बड़ा जादूगर वहां बैठा है। देखिए, जिनके हंसी का जादू जो है वो पिछले 3 सालों से लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। यहाँ के जो परफॉर्मर्स हैं उनकी प्रतिभा का जादू बोल रहा है, सुरेंद्र का जादू बोल रहा है, धपड़ 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 धपड़, और आपके हुस्न का जादू अभी तक लोगों के दिल में डिंग डोंग डिंग कर रहा है। इनके लिए तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे बड़ा जादू पता है क्या है? सबसे बड़ा जादू ये है कि पिछले 3 साल से कॉमेडी सर्कस चल रहा है और मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को पता नहीं चल पाता, ये जादू नहीं तो क्या है। और अब बारी है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट की, जिनका जादू पूरे देश पर छाया था। अपनी यूनिक डांस स्टाइल से इन्होंने पूरे देश को नचाया था। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जंपिंग जैक जीतू जी। थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने मुझे इस शो पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कब तक यार कृष्णा मेरी मिमिक्री करता रहता, और इतनी अच्छी थोड़ी कर पाएगा जितनी अच्छी मैं कर रहा हूँ। एनीवेज, आप लोग दोनों कौन है? अरे? नहीं नहीं, मैं पहली बार इस शो पर आया हूँ ना, मैं तो सिर्फ अनीता को जानता हूँ। हाय अनीता। Such
सर सर मेरी कोई गलती नहीं है, क्रिएटिव है ना, जबरदस्ती करवाते हैं। मैंने कहा था धर्म जी की करवाओ, मैंने धर्म जी बहुत मारते हैं ना सर, बहुत डर लगता है सर, आप मार लो ना थोड़ा चलेगा। जीतू रहो बेटा, यही कहते थे ना। जीते रहो जीते रहो। जोरदार तालियां। सर 3 साल से आपकी मिमिक्री कर करके पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने, इतने घर बना लिए, इतनी गाड़ियां खरीद ली। तो आप आए हो तो सर मैं एक ताकी किए बिना सर मैं कैसे जाने। कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हेलो जाओ ना। ऐसे कैसे जाऊं, ये चैनल मेरे शो की प्रमोशन ही नहीं कर रहा है। मेरा शो आता है सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। थैंक यू कृष्णा। तो कॉमेडी का असली जादू देखने के लिए बुलाते हैं हमारी 5 मैजिकल जोड़ियों को। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स के विनर कपिल शर्मा, जो सुपरस्टार बनने के बाद इतने वांटेड हो गए हैं कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा, और वो भी परमानेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि ये पुलिस अफसर तो उनकी जोड़ीदार ही बन गई है। प्लीज वेलकम कपिल शर्मा विथ FIR की फटकेदार हट चंद्रमुखी चौटाला उर्फ कविता कौशिक। नमस्ते जीतू जी। How are you? Hi Archana. Hi Sheikh. Hi everybody. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Surinder ji. Hi, big fan, big fan. Ha, विश्वास ही नहीं हो रहा, ये मेरे सामने है। Oh god, पिंजरे में क्यों है? अब नहीं काटते ये। इट्स ओके। एक मिनट फोटो एक फोटो। हाँ प्लीज स्माइल। फेसबुक पे ऐसी रिक्वेस्ट आती है ना, एकदम आड़े टेढ़े लोगों की, ये फोटो लगाऊंगी, देखती हूँ कोई कैसे रिक्वेस्ट भेजता है। मैं हूँ कविता कौशिक, नाम तो सुना ही होगा कपिल शर्मा का। वैसे मैं हूँ उसकी नई पार्टनर, लेकिन है कहाँ यार ये कपिल, कहीं पिच पे तो नहीं दौड़ रहा कपिल? अभी पिछले हफ्ते जीता हूं, 5 मिनट तो लेट आऊंगा कि नहीं? तेरी माँ की आंख, मेरे को पता नहीं था ऐसा पटाखा खड़ा सेट पे, मैं एक रात पहले ही आ जाता। हाय 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 हाय, क्यों नहीं? हाय आई एम कविता। आर यू ओके? हाँ क्या नाम बताया आपने अपना? कविता। कविता जी, पापा आपके काफी अच्छे कवि लगते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये कविता उन्होंने नहीं लिखी? वेरी फनी, काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। ऐसे ट्रॉफी नहीं जीती मैंने। वैसे इस बार मैं तो आपकी पार्टनर हूँ। अच्छा अच्छा, इस शो में शुरुआत में आप हैं मेरी पार्टनर। शुरुआत में मतलब? नहीं क्या है कि फिनाले तक जाते जाते 2-3 पार्टनर लगी जाती है मेरे को। ए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब और कोई पार्टनर नहीं लगेगी। देखो कविता से कवि सम्मेलन चलते हैं, यहाँ पे कॉमेडी करनी पड़ती है। हाँ तो कपिल भी पिच पे दौड़ते हुए अच्छे लगते हैं, कॉमेडी करते हुए नहीं। और वैसे भी मैं कॉमेडी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो? हाँ देखो कुछ भी करना है तो अर्चना के लिए करो, चाहे भटूरे बनाओ, इसको हंसना ही है। साना तो ये दोनों भाई साहब को है, और उनके लिए मैं अकेले काफी हूँ। Are you trying to tell me कि तुम अकेले कॉमेडी कर सकते हो? कॉमेडी करने ही अकेले चाहिए, क्यों शेखर जी? 4 आदमियों के सामने करो साले, हंसना बेइज्जती हो जाती है। और एक बात बता दूं तुझे, ये शो अगर जीतना है ना तो स्टेज पे आग लगानी पड़ेगी। आग? आग लगानी है? आग लगानी है। अरे आग लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देखो। लगा के दिखाओ फिर। अरे देखो यार, वेट एंड लर्न एंड वॉच। आग लगाने में इतनी माहिर है तू, किसी डेली शो में सास का रोल क्यों नहीं कर लेती? सास सास के रोल नहीं करती मैं, सेक्सी लड़की हूँ मैं। तू और सेक्सी, तेरे से ज्यादा सुरेंद्र पारी सेक्सी बिकनी पहन ले तो। एक मिनट, इतना बिल्कुल ही खुद ही लौट गया अपनी कॉमेडी पे, बिल्कुल ही।
ऐसा है, लोगों की जो है बेइज्जती मत कर, मुझे ये बता जीतने के लिए क्या करना है। देख, जीतने के लिए ना हमें एकदम मैडनेस खिलानी पड़ेगी, पूरी मैडनेस। मैडनेस? हाँ। ओ पाजी, दौड़ 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 दौड़। ये क्या था? अरे इससे ज्यादा मैड कैरेक्टर कोई नहीं है इस सेट पे। पाजी देख तो आगे पीछे पड़ गई आपके। देख कविता, इनको ज्यादा भाव मत देना, कल एक बकरी ने पीछे मुड़ के देखा, घर तक छोड़ के आया। बाद में पता चला वो बकरा, बाद में बकरा घर छोड़ने आया इनको। अरे जीतने के लिए कुछ स्ट्रेटजी वगैरह, कुछ प्लानिंग वगैरह? देख, जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पप्पी लेनी पड़ेगी मेरी। हाँ तो अरे पप्पी पप्पी मैं पप्पी पप्पी नहीं 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 क्यों? पहले तो बड़े जादूगर जी आग लगा रही बैठ ये अभी ले पप्पी। अरे सारे काम मैं करूंगी, जादू मैं करूंगी, तो तू क्या करेगा? पाजी बातें हमारी हो रही, आप क्यों इंजॉय कर रहे हो बीच में? देख कविता, इस शो में कॉमेडी मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ, तुझे लाया पता किस लिए गया? कि तू आगे इस शो में ग्लैमर दिखाए। छोटे छोटे कपड़े पहन, ये तू फुल स्लीव लहंगा पहना ही है। फुल स्लीव लहंगा, इतने इतने कपड़े पहन के आना चाहिए इधर को। ग्लैमर चाहिए यहाँ, ग्लैमर चाहिए शो में यार, ग्लैमर यहाँ तक का ग्लैमर। हाँ आइयो जरा इसमें चढ़ियो जरा। अच्छा आइयो, इससे ग्लैमर आता है? आप जरा करें वो जिसमें आप आए थे। ये क्या है, पहले एपिसोड में नंगा कर दिया मुझे। अरे एक मिनट, तेरा रुमाल निकल रहा है यार। ये क्या है? गलत 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 जादू, गलत जादू, गलत जादू। क्यों क्यों क्यों? मैंने चड्डी पहनी नहीं। अब मेरे को नहीं करनी तेरे साथ कॉमेडी। क्यों क्यों क्यों? पहले एपिसोड में ये हाल कर रही है, आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। सॉरी पाजी, मैंने नहीं करनी। सॉरी पाजी, सॉरी। तू क्यों पाजी बोल रही? जो दो नंबर मिले वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा सॉरी 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 बॉयज। अर्चना जी, कविता वेलकम टू द शो। एंड आपने अपने ग्लैमर का जादू नहीं दिखाया, लेकिन इनसे दिखवा दिया इनके ग्लैमर का जादू। ए अर्चना जी आगे, शुक्र करो ये जादू मैं नहीं सीख के आ गई। जीतू जी, ऐसे लगता है ये पता नहीं घोटा मार के पी लिया है सब। एक डायलॉग इधर से उधर नहीं, टाइमिंग का मिस कैलकुलेशन इतना भी नहीं। हाउ डू यू डू इट? कितने बादाम खाते हो यार? यू हैव व्हाट ए मेमोरी, द वे यू ऑल आर रिसाइटिंग सो ब्यूटिफुल, द टाइमिंग इज ब्यूटिफुल, द डिक्शन इज ब्यूटिफुल, द होल सेटअप वॉज सो नाइस, फ्लॉलेस। आई एम रियली इनमर्ड। आई विल टॉक अबाउट कपिल फर्स्ट। आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे शोज में आपने बहुत ज़बरदस्त अपनी कला का प्रदर्शन किया है, और आज आपने साबित कर दिया कि आप एक बहुत ही काबिल और बहुत ही कच्चे सॉरी अच्छे आर्टिस्ट हैं। और कविता, आई थिंक द लास्ट टाइम आई सॉ समबडी हु वाज एज सेक्सी एज यू एंड एज ह्यूमरस वाज अरुणा ईरानी ऑन स्क्रीन। सो टुगेदर आई थिंक यू गोइंग टू क्रिएट सच अ मैजिक दैट इट वुड बी अनइमेजिनेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो हैट्स ऑफ, जोरदार तालियां कपिल और कविता के लिए। बच्चे यानी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा, और कॉमेडी सर्कस को भगवान ने दिया है एक मैजिकल गिफ्ट, सलोनी। एक 8 साल की बच्ची में अनलिमिटेड टैलेंट है ना मैजिक। लेकिन इस जादू में भी ऊपर वाले ने कर दी एक और कॉमेडी, ये जादुई चिराग दे दिया राजीव के हाथ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय फेवरेट जोड़ी राजीव एंड सलोनी। पहला जादू मतलब दूसरा जादू। जीतू जी आप, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, सब भूल गया हूँ, शो बाद में, इंट्रोडक्शन बाद में, लेकिन सच में आज आपको नंगी आंखों से देखकर, मतलब सामने आंखों से देखकर इतनी खुशी हो रही है। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस जादू के शो में जिसका नाम है कॉमेडी सर्कस का शायद जादू। तो जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। कपड़े इतने अच्छे पहना दिए, और नीचे देखिए शू लेस मेरे खुले रखे हुए हैं, लेकिन बंद कर लेते। नहीं शेखर जी, मैंने सुना है शेखों के इलाके में झुक के बंद नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही बंद कर लेता हूँ फिर इसको। ओ
मैं ऐसा आर्टिस्ट हूं जो यहां पर दुनिया का कोई भी करेक्टर दे दो वैसा ही करता हूं जैसा मेरा दिल करता है। लेकिन मेरी पार्टनर बड़ी प्यारी है सलोनी, उसको आप दुनिया का कोई भी करेक्टर दो वैसा ही करती है जैसा होता है। लेकिन आज पता नहीं सलोनी क्यों नहीं आई। राजीव भैया मैं यहां हूं। तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, गरीब आदमी की रोटी छिन गई है। अबे ओ भैया की मौसी, शर्म नहीं आती? जवान लड़की हैंडसम लड़के को भैया कह रही है, इससे बड़ी गाली क्या देगी तू? है कौन तू वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़कों को राखी बांध के भैया बनाने वाली औरत? कौन है तू? अरे पहचाना नहीं, मैं सलोनी, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छी बली क्यूट पार्टनर थी मेरी, देखो कैसे लस्सी की मशीन बन गई है। शेखर जी गौर से देखिए, ऐसे लगता है जैसे संजय दत्त आईब्रो बनवा के आ गया। प्लीज छोटी हो जा प्लीज। अरे एक बार बड़ी हो गई, वापस छोटी कैसे हो सकती हूँ? अबे शाम को रिहर्सल में मेरे साथ तू छोटी थी, रात को क्या डायनासोर का बच्चा खा गई है? मैं तो दूध पीकर सोई थी। अबे क्या हथनी का एक महीने का दूध पी लिया इकट्ठा? नहीं भैंस का। दूध के नाम पे भैंस खाने वाली औरत है ये। प्लीज छोटी हो जाओ प्लीज। ये कपिल की बद्दुआ लगी है, शेखर जी आप नहीं थे, पिछले हफ्ते मुझे कपिल ने यहाँ पर बद्दुआ दी है। लगता मुझे शो छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कपिल मेरी बद्दुआ तुझे को, जा तुझे ऐसी पार्टनर मिले, इतनी अच्छी पार्टनर मिल जाए, इतनी अच्छी मिल जाए तू उस पे एक भी पंच ना मार सके। जा मेरी बद्दुआ है, तुझे इतनी हॉट सेक्सी हैंडसम पार्टनर मिले तू पंच मार मार थक जाए और इनकी नजरें उसके हुसन से ना हटे। जा मेरी बद्दुआ तुझ पे, बद्दुआ मेरी। अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे तो लेके जाओ। तुझे लेके जाऊं? तेरी तो डोली ले जाने की उम्र है। पर ऐसे पीस डोली में भी नहीं जाते, कार्गो करके शिप में जाते हैं। चल बेटा अब तुझे इसी में लेके जाऊंगा, कार्गो जिंदाबाद। ये तेरी मॉडर्न डोली है। ये? हाँ चल अंदर। अरे मैं से फिट थोड़ी आऊंगी। कमाल है तेरे जैसी 3-4 फिट आ जाएंगी, हमने अर्चना जी को बिठा के चेक किया था। चिंता मत कर चल जा, चल जा। दिखा के जा, बाद में कहेंगे अंदर कोई बैठा हुआ है। कोई नहीं है। शा, हाँ। इसको मैंने उठवाने के लिए डोली मंगाई थी, 4 बंदे लेने गया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने सीधा कहा कि अपोलो के टायर बुक कर लो वो बेटर है। शाह शुक्र है सलोनी तू छोटी हो गई। शेखर जी अच्छा हुआ मैंने इसको इसमें नहीं डाला, वरना आपका तो शो में आने का नुकसान ही हो जाता ना। लेकिन मुझे आज समझ में आया शेखर जी, लोगों ने घर में मेकअप रूम बनाया, आपने ये मशीन रखी ना घर में, आप इसी में चक्कर लगा के आते ना, अब ठीक है। देखा मैं छोटी हो गई तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप पे पंच मारने लगे। बेटा अब तू देख ऐसे ऐसे पंच मारूंगा सबको हिला के रख दूंगा। लेकिन राजीव भैया इस बार पंच से कुछ नहीं होने वाला है, इस बार सिर्फ जादू चलेगा। जादू तो मैंने सीख लिया, ये देखो हाथ खाली है मेरे, अभी इसमें पैसा आएगा। ये देख दूसरे हाथ में, ये ले। हंस क्यों रही है? जादू का हुआ। कमाल है, मैं भूल गया था कॉमेडी सर्कस की स्टेज है, यहाँ पर जजेस पैसे नहीं निकाल पाए, जादू का खाक जा पैसे निकाल पाएगा। बेटा लेकिन एक फायदा है, अब होगी अर्चना जी कांटे की टक्कर, क्योंकि जादू ऐसी चीज है जो कपिल को भी नहीं आता और मुझे भी नहीं आता। लेकिन जादू मैं कर सकती हूँ। अच्छा? मैं आपको जादू दिखाती हूँ। डंडा लेके आगे, डंडे से भी कोई जादू हुआ कभी? आला मंतर कोला मंतर चू। बेटा तुझे क्या पता, तुझे क्या लगता है तू जादू कर सकती है? लोग बर्गर खाते हैं मुंह से, मैं मुंह से बर्गर निकाल सकता हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज के बाद यहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल करूँगा और वो मैं। अर्चना जी
राजीव और सलोनी, अभी तो आपके अलविदा करने पर जो हमारे आंसू थे वो सूखे नहीं, और आप वापस आ गए और अब खुशी के आंसू आ गए हमारी आंखों में। वेलकम बैक जीतू जी। सलोमी, मैंने आपको बहुत सारे शोज में देखा है, मैं सोच रहा था कि आज भी देखूंगा बगैर दांतों के, एंड फॉर कॉमेडी इट वुड हैव बीन बहुत बढ़िया लगता, बट टुडे यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी ग्लैमरस लिटिल गर्ल, बहुत स्वीट और मिठू लग रही हो। अभी तक जितने आइटम हुए उसमें कॉमेडी का एलिमेंट तो बहुत बढ़िया था, पर जादू का एलिमेंट इसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। शेखर जी, यही कहना चाहूँगा कि तेरा जादू चल गया। सलोनी, आप 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, बल्कि 8th क्या, 9th, 10th, 11th, 12th जितने वंडर्स हैं सब आप ही हैं, बल्कि पहले जो 7 वंडर्स हैं उसमें एक वंडर आपका नाम होना चाहिए था उसमें। जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए। प्लीज अपनी सीट ले लीजिए। आ रही है वो जोड़ी जिसे देखकर आपको राज कपूर नरगिस, दिलीप कुमार मधुबाला की याद आएगी। प्रेजेंटिंग 3D के जमाने में इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, श्रीकांत मस्की के साथ भाग्य विधाता की पूनम वा और पारुल, प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जबरदस्त एकदम क्राउड आयला। चलो सब लोग मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो। आई को मालूम मैं अभी अभी आया ना। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि गोरी का साजन तो आ गया, साजन की गोरी किधर है ना, तो देखो मैं कैसे जादू से लाता है, गोरी का साजन, साजन की गोरी। पर्सनैलिटी देख के खुश हो गई रही। कैसे रे? आप कौन है? आप कौन है? My name is Vittal and I'm not a terrorist. पर हमको तो बताया गया था कि हमारे पार्टनर का नाम मस्की है। ये मस्करी कौन किया हमारे साथ? हाँ? अरे मैं बताता है, वो क्या नाम मस्की आने वाला था, मैंने उसको मना कर दिया। का है? अरे उसको ना शाहरुख खान का पिक्चर देखने को जाने का था, उसके पास कल का टिकट था, मैंने उसको आज ही भेज दिया। आज कहे भेज दिया? अरे शाहरुख खान ने बोला था कल हो ना हो। चुप करिए। और सामने देखे कि कौन बैठा है, जानते आप इन्हें? इन्हें कौन जानते है? ये आपका जो बेहुदा जोक्स है ना, इसे पीजे राउंड के लिए बचा के रखिए। पीजे राउंड? हट, मैं अपना अच्छा अच्छा जोक पीजे में मार के क्या मुंह काला करूं अपना? हट। इससे ज्यादा काला और का होगा। ए! ए! बिहारी हम बिहारी, गर्दा उड़ा देंगे। शेखर जी, ऑड कॉम्बिनेशन, बिहारी मराठी। अच्छा वैसे तो बिहारी है। अच्छा तो बिहारी का ऑपोजिट बता। हमको नहीं पता। अरे सोचना सोचना थोड़ा। अरे हमको का पता? बी हारी का ऑपोजिट है सी जीती, बी हारेगी तो सी जीतेगी ना। कल ही मैं तेरा प्रोग्राम देख रहा हूँ। तुमने मेरी सीरियल देखी? अखा देखा एकदम पूरा। मेरी माँ ने मेरे को सजा दी थी ना। नहीं नहीं, वो क्या है ना, जब भी तुम्हारा प्रोग्राम आता है ना, हमारे पूरे इलाके का ना करंट चला जाता है। का है? उन लोग बोलते भाग्य विधाता तो लगे, ये देखने से अच्छा है बिजली बचाओ। अच्छा चल ठीक है यार, लेकिन सुन, यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो हमसे भी ज्यादा सॉलिड है। विठल यार, मैं हूँ डेली सोप की एक्टर, मेरे से तो कॉमेडी ठीक से नहीं हो रही, ऊपर से इन्होंने जादू तक डाल दिया है। तुम जैसे डेली सोप वालों से कॉमेडी कराना सबसे बड़ा जादू है ना रे। देख देख, कॉमेडी का और जादू का टेंशन अज्जी बात लेने का नहीं,
मैं ना एकदम जोरदार मेहनत कर रहा है शो के लिए। हाँ? आज सवेरे सवेरे क्या जबरदस्त जादू किया मैं। हाँ? अरे बाबा दिल्ली से ना ताजमहल गायब किया। ताजमहल दिल्ली में? हाँ? हाँ? आगरा में है वो। दिल्ली से गायब करूंगा तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना। हे भगवान, मुझे किस पागल के साथ फंसा दिया। मुझे तो लग रहा है तुम मेरी नाक मेरे फैंस के सामने कटा दोगे। अरे तू नाक का बात कर रही, एक दिन मैं फैन के सामने उंगली काट दिया था। देख देख अजी बात, रोने का टेंशन नहीं लेने का। हम लोग ना दोनों मिलकर ना जबरदस्त कॉमेडी करेंगे। और जहाँ तक कि जादू का सवाल है, ये पिछले 8 दिन से ना एक जबरदस्त जादू सीख रहे। कौन सा? उसमें ना एक लड़की को बिना छुए ना किस कर सकते है। कैसे कैसे? ये देखा अनीता, ध्यान से देख। तूने मुझे छू लिया, जादू फेल, जादू फेल। हाँ हाँ, कभी कभी जादू फेल हो जाता है, मैं पास हो जाता है। स्वाली रहा, स्वाली। इसको बोलते हैं साली डरा बाबा साली। आप अगर तेरे पंचेस वर्क नहीं करेंगे ना, हा? तो पता है मैं क्या करूंगी? क्या? पीछे घूमना। ए तू मेरे को लात मारेगी। मैं तुम्हारे ये भी पुराना हो गया, घूमना। अच्छा ये ले, फायर। स्वाली डरा, स्वाली, स्वाली डरा, ये जाम स्वाली। जीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कॉमेडी सर्कस प्रोग्राम है जो इतने 3 सालों से चल रहा है, दिस इज द ओनली प्रोग्राम विच आई जेन्युइनली एंजॉय एंड वॉच ऑल द टाइम। टीवी में अगर मैं 100% देखता हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा 60-65% टाइम इस प्रोग्राम देखने में जाता है। तो मेरा ये कहना कि आपका आपने जो किया बहुत अच्छा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज आप अच्छे हैं तभी तो इतने अच्छे प्रोग्राम में आए हो। शेखर जी, जो आप लोगों ने ट्रिक्स किए वो बहुत अच्छे थे, खास तौर पे आपने तो आखिर में आग ही लगा दी। तो दैट वाज अमेजिंग। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? I think it's a great beginning for our new show. Thank you. ये शो जादू का है, आपने बहुत बढ़िया जादू किया। Oh, thank you so much. मस्की और पारुल, हमें बहुत मजा आया। Thank you. Kindly please take a seat. जोरदार तालियां इनके लिए। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। जी हाँ, अब आ रही है वो नाजुक कली जिनकी जीरो फिगर को देखकर मुझे क्या, अर्चना जी को भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उनके साथ हैं उनके सजन जो कभी झूठ नहीं बोलते। प्लीज वेलकम छुई मुई सी भारती के साथ सजन रे झूठ मत बोलो के परेश बंगाली उर्फ सुकेश। सॉरी जीतू जी, मैं इतनी अनलकी हूँ ना कि आज के जमाने में पैदा हुई हूँ। काश जीतू जी मैं आपके जमाने में पैदा होती, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती तो आप मुझे शादी के लिए कैसे प्रपोज करते, प्लीज बताइए ना। चुप करो, उनको बोलने दो।
बताइए ना जीतू जी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमने आपने ये कहा कि उस जमाने की बात। उस जमाने के। बताइए ना जीतू जी कैसे प्रपोज करते मुझे? अभी आप बता ही दीजिए, मैं मेरा हाथ तंग है इस मामले में। खैर मैं आज आपको देख के बहुत खुश हूँ। मैं भी। आप भी ना बस। मैं तो आपको इसलिए लाइन मार रही हूँ क्योंकि पापा तुषार मैं आज बहुत खुश हूँ सच में शेखर जी आपको देखकर। स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लग रहे हो आप तो। खैर लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरा पार्टनर चेंज हो गया। परेश सच में बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था टिंगू सा। दिल करता था उसको गोद में उठा के पंच मारूं और कभी कभी तो चलते एक्ट में दिल करता था बर्गर में डालकर खा जाऊं। अरे अर्चना जी पंच के मामले में इतनी नॉलेज थी उसको, इतनी नॉलेज थी कि ना इस तरह ये चुन चुन कर काटता था। खैर जैसा भी था इस रस्सी की तरह हम लोग का बंधन एकदम मजबूत था, पर चैनल की आगे कौन बोल सकता है। खैर निकाल ही दिया उसे पर खैर मैं बहुत खुश हूं लेकिन पुराने बारे की बातें खत्म और नए की शुरू। आप जानते हैं कि मेरा नया पार्टनर कौन है? अर्चना गैस करो। आज जज की कुर्सी पे कौन नहीं है? रोहित। रोहित। यस यस मेरा पार्टनर रोहित है। रोहित मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, अभी बुलाती हूँ। रोहित अबे ओ गोलमाल। गोलमाल तो तू है। रोहित चालू आ जाओ। अबे कौन है तू? अरे बोलता कि तेरी नाक खींचू। कौन है तू? दीदी हम तो स्पॉट बॉय है, आपको चाय पूछने के लिए आया था। अच्छा तो पिला ना। क्या तू अपने मुंह से नहीं बताता तो तेरी शक्ल देख के मैं तुम्हें किंग खान समझ लेती। सॉरी 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 जी जी चाय। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी। ठीक है तो इधर मैं रख देता हूँ। तू है कौन? दीदी ओ एक्चुअली बात है, हमारा नाम सुकेश आनंद है। वो जो साप टीवी में शो आता है ना साजन रे झूठ मत बोलो, हम उसमें परेश बंगाली वाला कॉमेडी करता है। वो प्रोड्यूसर दादा हमको बोला है उधर से थोड़ा पैसा ज्यादा देगा, इधर भारती के साथ में कॉमेडी करो आके। भारती के साथ कॉमेडी करो? मुश्किल है भारती के साथ टिकना, पहले शरद फिर परेश और अब हाँ प्रोड्यूसर ने मुझे बोला है कि इस बार मेरे साथ रोहित होगा। अरे दीदी वो गलत नहीं बोला है, हमारा घर का नाम रोहित ही है। अरे घर का नाम रोहित होने से क्या हो जाता है, वैसे तो सुरेंद्र का भी घर का नाम संजय दत्त है। मुझे मेरा असली वाला रोहित ला के दो, 6.5 फीट हाइट, डोलों पे टैटू बना हुआ। वाह जब कॉमेडी करे तो जज हंसने के लिए मजबूर हो जाए। अरे स्टैंडिंग ओवेशन क्या, इतना डरे जज उससे कि सारा एक्ट खड़े होके देखे। क्या पता वो कब ऐसे कर दे। किंतु दीदी हमारे भीतर में भी बहुत टैलेंट है, हमको अपना पार्टनर बना लो दीदी। टैलेंट टैलेंट की बात छोड़ो, लेकिन मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए कि जिसकी टाइमिंग एकदम खराब हो। ऐसा क्यों दीदी? अरे भूल गए लास्ट टाइम कपिल जीता था, उसकी पार्टनर की टाइमिंग कितनी खराब थी। इधर में जितना भी पार्टिसिपेंट आने वाला है ना उसमें सबसे भीषण खराब टाइमिंग हमारा है दीदी। पिछला 8 दिन से तो हम ये जादू वादू सीखता है दीदी, लाइन तो हमको एक भी याद नहीं है, किंतु हम ये जादू वादू में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है दीदी। आपको एक तो जादू दिखाएगा अच्छा। दिखाओ ये देखो ये दास उंगली है। अभी हम इसका आकड़ बाकड़ बाम्बे वो करेगा, ये दास का 20 उंगली हो जाएगा करेगा। देखो आकड़ बाकड़ बाम्बे वो 80-90 पूरा शो ए हो गया 20। एक सेकंड में 10 के 20 कर दी। मैं आधे सेकंड में 25 कर सकती हूँ। करो करो करो। दीदी
तुम्हारा जो थप्पड़ है ना हमारा गाल में बहुत जोर से लगा है और यही थप्पड़ ने हमारा भीतर का जादूगर को जो है वो जागा दिया है। अब हम तुमको एक तो फैंटास्टिक है और जादूगर के दिखाएगा। अच्छा? किंतु तुम मारेगा तो नहीं हमको? नहीं मारूंगी। ठीक है तो हम अपना जादू शुरू करता है। देखो जादूगर का बहुत अच्छा जादू है। हम क्या करेगा, देखो ये हमारे पास में ये प्लेइंग कार्ड है, अभी इसको ऐसा शफल करता है, उड़ी बाबा ये क्या निकलता है, देखो दीदी इसमें से एक पत्ता निकालो, एक पत्ता निकालो, निकालो निकालो, कोई भी कैमरा को दिखा दो, जज को भी दिखा दो। देखो जादूगर अपने पत्ता नहीं देखता है, अभी जादूगर क्या करेगा, जादू से एक पत्ता इधर में से निकाल के दिखाएगा, अभी डालो इसमें डालो डालो पत्ता 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 डालो डालो। अभी हम इसको फिर से सफल करता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, अभी हम तुम्हारा पत्ता निकालेगा, देखो 1 2 3 किधर गया, उड़ी बाबा ये छोटा पत्ता कौन रख दिया बीच में, देखो तुम्हारा पत्ता ये वाला है, देखो ये 10 नंबर ये 10 नंबर और ये लो बेगम का 5 नंबर। उड़ी बाबा कितना घड़ी घड़ी मारता है, हमारा टैलेंट तो तू सब देख लिया, अपना टैलेंट के बारे में कुछ बताओ। अरे मुझ में तो शेखर जी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मैं चटनी के साथ हाथी खा सकती हूँ। वो तो देखने से मालूम पड़ता है, देखने से मालूम पड़ता है कि ये हाथी खा सकता है, हम तो यही सोचता है चटनी कैसे खाता है। गिरी देखो तू हमारे साथ में मजाक बहुत करता है। अरे यहाँ मजाक ही करने आए हैं और क्या, ये तीनों प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं? तो दीदी एक तो काज करो ना, हमारे भीतर में बहुत टैलेंट है, हमको अपना पार्टनर बना लो। अरे कुछ हंसा दो, 3-4 एक्ट से ये लोग हंसे नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों बहनों बच्चों और निकालेगा। हाँ। तुम तो बड़ी प्यारी हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा बेटा। अच्छा अरे वो बस्कर बस्कर सारा टैलेंट आज ही दिखा देगा तो बाकी एपिसोड के लिए क्या रखेगा। किंतु दीदी हमारे भीतर में तो इतना ही टैलेंट है। मजाक कर रहा है, डेली सोप कहता है। इसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो हमें आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। क्यों, आई एम सॉरी शेखर जी आपके लिए, और रोहित नेक्स्ट टाइम तुझे ट्राई करूंगी मैं, इस बार इसको ट्राई करती हूं। अर्चना जी आपको कैसी लगी हमारी छुई मुई सी सजनी और उनके सजन? भारती आपके बगैर आप तो पतली नहीं हुई, मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, मिसिंग यू फ्रॉम लास्ट एपिसोड टू दिस एपिसोड। लेकिन सुकेश जी आपको आपके सीरियल में देखा है, वहाँ तो आपने बहुत कमाल किया, यहाँ देखते हैं आप इनके साथ क्या कमाल कर पाते हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जीतू जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत देर से आपके शोज देख रहा हूँ, यू आर टू गुड, वेरी गुड, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। भारती 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 यू आर एज इफेक्टिव एज एवर, एज प्रिटी एज एवर। Oh, thanks, sir. But you have this very special ability कि आप कभी कभी बेजान acts में भी बहुत सारा जान डाल देती हैं। और सुकेश आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, but you matched your histrionics very well. So welcome to the show. Thank you, sir. रही है हमारी सबसे ज्यादा नॉन ग्लैमरस जोड़ी, वो क्या है ना, ये इकलौती जोड़ी है जिसमें कोई लड़की नहीं, बट नो प्रॉब्लम, ग्लैमर के लिए मैं हूं ना। वैसे इस जोड़ी में ग्लैमर नहीं पर पंगे बहुत हैं। डांस इंडिया डांस के मनीष पॉल को राजीव निगम जरा चिच्चा टाइप लगते हैं और राजीव निगम चाहते हैं मनीष को अपनी ट्यून पर नचाना। देखते हैं कौन नाचता है और कौन नचाता है। Please welcome Manish Paul and Rajiv Nigam. Manish Paul kahan hai? Oh ye Manish kahan chala gaya? Koi baat nahi, ye jadoo ka season hai, हम मनीष को कहीं ना कहीं से जरूर ले आएंगे। हीरो शीरो बन के आ गए हैं, मजे आ रहे हैं। वैसे आपको बताऊं यार, सबसे पहले तो जीतू जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, शेखर जी नमस्ते, भाई आप सबका स्वागत है इस नए शो में, और मैं हूँ मनीष पॉल।
वैसे आप सबको बताऊं यार, आजकल ना दो ही पॉल पॉपुलर है। एक है ऑक्टोपस पॉल और एक है मनीष पॉल। ओए सुरिंदर, पहली बार जिंदा देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। चचा, ओ चचा, ओ यहाँ क्या कर रहे हो? ये कॉमेडी शो है, आपका क्या काम है यार? मतलब कॉमेडी शो है? बेटा मेरे को कॉमेडी बहुत पसंद है, एक बार करवा ले कॉमेडी। कभी करिए कॉमेडी पहले। बेटा 11 बच्चे हैं। चचा इसमें कॉमेडी की क्या बात है? बेटा उसमें से 3 मेरे भी हैं। अच्छा। लेकिन आपको बताऊं, इस शो में यहाँ पर ऐसी कॉमेडी नहीं चलेगी। अबे तो कोई बात नहीं, वैसी वाली कॉमेडी करवा ले, अब तो रोहित भी नहीं है। करोगे? हर तरीके की कॉमेडी कर लेता हूँ। अच्छा। हर तरीके के कर्तव्य कर लेता हूँ बेटा। मैं तो पता नहीं कितने शो में बिन बुलाए घुस गया हूँ। शकल में लिखा है वो तो। अच्छा वैसे मुझे बताओ कौन से शो में गए हो, क्या कॉमेडी की है? वो एक शो आया था ना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, उसमें भी घुस गया था मैं। घुसा लिया था आपको वहाँ पे? अच्छा वहाँ करा क्या आपने ये बताओ? वहाँ बेटा मैंने लोहे के पकौड़े खाए थे। बेटा टेंशन वाली कोई बात नहीं, सवेरे कायम चूल खा करके धका तक सलिया भी निकाली थी मैं। चचा आयरन की कमी है तुम्हें। सलिया निकाल रहे हैं ये। बेटा ऐसी बात नहीं है, तुमको बिलीव नहीं होता है, मैं तुमको अपनी हरकतें करके दिखाता हूँ। क्या हरकत करोगे? ये देखो ये क्या है बेटा? ये हाँ 1 रुपए का सिक्का है। जैसे मैंने लोहे के पकौड़े खाए थे वैसे देखो अभी सबके सामने खा के दिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हो जाओ शुरू। तालियां, ताली बजा दे। नहीं सच्ची पुत्री दांत आ गया। ओए क्या बात है चचा। हाँ अब बेटा मेरा कमाल देखो। क्या बात है बेटा, काम करो। हाँ मेरे साथ जोड़ी बना लो बेटा। आप मैं तुझे फाइनल तक लेके जाऊंगा। फाइनल तक? हाँ चौराहे तक ले जाओ, गनीमत है चचा। फिनाले लेके जाएंगे ये। और वैसे भी पता है आपकी मेरी जोड़ी कैसे लग रही है? जैसे के हंगल और सलमान खान। ये तो बिल्कुल सही कह रहा बेटा, तेरी चची भी कहती कि मैं सलमान खान जैसा लगता हूँ। एकदम दबंग। दबंग? दबंग नहीं कह रही होगी, अपंग कह रही होगी। अपंग? मैं तो ये देखने आया था कि इतने महंगाई के जमाने में अर्चना इतना कैसे हंस लेती है। फोकट में नहीं हंसती, पैसे लेती है पैसे। नहीं बेटा पैसे तो लेती है हाँ। लेकिन फिर भी हंसती तो फोकट का ही है ना। आग लग रही है मेरे। और मैं बता रहा हूँ रुक जा चचा। अरे ए, बाल तो बाल क्या है ना ये रुई वाले, ये लो। याद रखेगा बुढ़ाऊ मुझे। मजे आ गए सुरिंदर, मजा आया। दांत दिखा, अच्छे लग रहे हैं। ताले श्री राजीव निगम जी को आने दो, मैं उनको ये 1 मिनट को बताओ आपका नाम क्या है? मैं ना मैं पू पू नहीं नहीं मेरा नाम पप्पू। पप्पू? पप्पू हाँ यार ये गलत बात है, इस मंच पर ये बोतल लेके आयो बड़ी गलत बात है। अबे तो 1 मिनट पहले बताओ राजीव निगम को जानते हो कि नहीं? हाँ मैं जानता हूँ, मेरी बोतल तो दे दे फिर मैं बताता हूँ। बोतल? हाँ 1 मिनट रुक जा, बोतल देता हूँ तेरे को मैं स्टेज पे। आशीर्वाद नहीं ले रहा तेरा, कहीं खुश हो रही हूँ मैं। मैं बता दूँ 1 मिनट, बोतल चाहिए ना? 1 मिनट बोतल पकड़। पैक करके दूंगा ना मेरे भाई, पैक कर। ये देख पन्नी लाया हूँ बढ़िया वाली, ले इसमें डाल। नहीं खुद ही डाल प्यार से। आ गई ये ले तेरी बोतल, ये ले बोतल। तुमको राजीव निगम का पता चाहिए? मैं सब जानता हूँ। जानता है? बताऊंगा, पहले मेरी बोतल दो। पप्पू बोतल वापस दूंगा पक्का बताएगा। हाँ रुक जा, ये रुक जा, ये 1 मिनट 1 मिनट ये आ गई तेरी बोतल पप्पू। आजा आजा मेरी बोतल ये। राजीव निगम का पता बता पहले। अच्छा हाँ वो राजीव निगम ना जिसकी बड़ी बड़ी आंखें है ना। अरे वही वाला यार बता। हाँ? नहीं मुझे नहीं पता। तोड़ी तेरी बोतल। नहीं नहीं
वही राजीव निगम ना जो बड़े 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 क्या बड़े बड़े सटायर मारता अच्छा है? वो अभी वही नहीं मालूम मुझे नहीं पता तेरी बोतल फोड़ रहा हूँ मैं इधर 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 तो अरे इधर आओ यार बोतल दे दे मेरे को भाई अबे राजीव निगम मैं हूँ यार पहचान ले मेरे दोस्त ओए ओए क्या शेखर जी जैसे बालों में पहचाना नहीं गया थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ कभी चचा बन जाता हूँ कभी कुछ बन जाता हूँ कभी कुछ बन जाता हूँ अच्छा मतलब ये टशन दे रहे हैं कि ओए मैं कितने कैरेक्टर करता हूँ बार बार जाके बदलना पड़ रहा था मुझे जाके बदलने की जरूरत नहीं कैरेक्टर यहीं पे है अच्छा है ना हाँ मकसम आज यहाँ पे सबको चन चन के हंसाऊंगा चन चन के हंसाऊंगा पापा अगर आप आए हो तो हंसाने मैं भी आया हूँ और जब ये 2.5 किलो का पंच अर्चना पे पड़ेगा ना तो वो हंसेगी नहीं खिलखिला के हंसेगी उषा जी डांस इंडिया डांस के बाद हम इधर आया कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी करने और सबको हंसाएगा ए राजीव ए सुन इधर आ तेरे को एक बात बता दूं अगर तूने ढंग से साथ नहीं निभाया ना तो सोच ले अब ठोक डालूंगा छे की छे ए यार अब द कॉमेडी सर्कस में मजा आ जाएगा ये क्या बात है यार मजा आ गया राजीव एक बात बताऊं यार मुझे लग रहा है इनको जोड़ी पसंद आ रही है नीचे पूछ ले है जी बता दो यार जादू था बड़ा ही कमाल का था तू भी बड़ी कमाल है अर्चना जी कैसे लगी आपको ये कॉमेडी की जेनरेशन गैप मैं तो सोचती हूँ राजीव निगम तुम तो हमेशा स्टेज पर आग लगा कर जाते हो आज तो सर पे आग लगा के चले गए यार और मनीष आपका स्वागत है हमारे शो पर जो एक आज पहला एपिसोड है जिसका आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सीजन लुक एट यू गाइस जीत जी आपका एक्ट देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत तारीफ करूं पर मेरी वोकैबुलरी बहुत पुअर है द टाइमिंग वाज ब्रिलियंट द जादू वाज ब्रिलियंट द कॉमेडी वाज ब्रिलियंट एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट एंड यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी आई थिंक दिस शो इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे यू गाइस आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे थैंक यू सो मच शेखर जी Unfortunately, I don't quite agree with Jeetu ji what he said. Unfortunately, much to my dismay, I don't think it was a good act. I think it was a very good act. ये जोड़ियाँ कुछ भी सोचें और ये खूबसूरत लड़कियाँ कुछ भी सोचें जो मर्दों के साथ हैं पर मुझे लगता है कि ये जो दो मर्द साथ में आए हैं ये कोई ना कोई नया जलवा ज़रूर दिखाएंगे So welcome to the show. Thank you so much. Rajiv and Manish, आपका Thank you.